वेलकम टू ईशानी वीडियोस। फिर लौट आई नागिन सीजन 2 या फिर नागकन्या के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि सोना अब सबसे बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, जहां पर तक्षेश अब सोना को लेकर जा चुका है अब उसी जगह पर, यानी उस गुफा में आ रही उस खंडर में जहां पर उसे फंसाया जाएगा, और साथ ही साथ उसके दोस्त को भी यहां पर बेहोश कर दिया जाएगा। और एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है कहानी में, जहां पर सोना का असली रूप फिर से सामने आने वाला है, और यहां पर उसका यहां पर फिर से एक नागकन्या वाला रूप अब तक्षेश के सामने आएगा, जिसको देखकर वो डरने वाला है। अब आखिर में आने वाले एपिसोड में क्या खास होगा, चलिए हम आपको सब कुछ बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहां पर जूली को छोड़कर अब यहां पर क्रिश और सोना चले जाते हैं उसी खंडर में, वो भी तक्षेश के साथ में, और उसके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन यहां पर सोना के मन में कुछ और बातें चल रही हैं कि आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है, कोई चीज अचानक से सोना कैसे बन सकती है। और उसके बाद में जैसे ही यहां पर एंट्री होती है उस खंडहर के अंदर बाकी सभी लोगों की, तभी अचानक से आभास हो जाता है सोना को कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब यहां पर तक्षेश ने सबसे बड़ी साजिश रची है कि पूरी तरह से सोना को ले जाकर अब एकदम से बांध लिया जाएगा और उससे अपनी शक्तियों के द्वारा सारी नागमणि की शक्ति और नागमणि हासिल कर ली जाएगी। लेकिन यहां पर पूरी तरह से कहानी में बदलाव आ जाता है। सोना को कैद तो कर लेता है और पूरी तरह से बेड़ियों में जकड़ लिया जाता है, लेकिन सोना के ऊपर वार करते ही यहाँ पर सोना बेहोश हो जाती है और उसके दिमाग में फिर से वही हरकतें शुरू हो जाती है। वो एक नागकन्या का रूप फिर से लेने वाली होती है, लेकिन नागकन्या का असली रूप सामने अभी नहीं आने वाला, थोड़ा टाइम लगेगा। और तक्षेश ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो क्या सोना तक्षेश को यहाँ पर हराने में कामयाब हो पाएगी, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिलते रहे और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।